कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद यानी राहुल गांधी के जीजाजी यानी प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दे दिया है ताकि वो अपना पक्ष अदालत के सामने रख सके। वाड्रा पर भी लॉन्ड्रिंग करने और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने का मामला चल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी है। इसके पहले ईडी ने अदालत में वाड्रा की याचिका का विरोध किया था। वाड्रा फिलहाल 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वाड्रा को समय देने के साथ इस बात का भी निर्देश दिया कि वो जांच में ईडी का सहयोग करेंगे, मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अदालत के आदेश के बिना विदेश नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी अग्रिम जमानत दे दी थी। ईडी अब तक वाड्रा के इस मामले में 7 बार पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।